सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में करीब 180% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने नए कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। जज का बड़ा वेतन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। भारत सरकार की 27 जनवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपये से बढ़कर 2.80 लाख रुपये प्रति महीने हो जाएगा। इस वेतन के अतिरिक्त उन्हें सरकारी आवास, कार और कर्मचारियों आदि के भत्ते भी मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा खबर के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन दिया गया है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, एक तरफ बाकी केंद्रीय कर्मचारी अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये से बढ़कर 2.50 लाख रुपये प्रति महीने हो गया। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होती है। इस प्रकार उन्हें भी अब 2.5 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 80,000 रुपये से बढ़कर 2.25 लाख रुपये प्रति महीने हो गया है। जज का वेतन 7वें वेतन आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के वेतन को लेकर की गई सिफारिशों की तर्ज पर किया गया है। इसका लाभ न केवल कार्यरत जज को बल्कि सेवानिवृत्त जज को भी मिलेगा। साल 2016 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद 3 न्यायाधीशों की एक समिति ने भी उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सिफारिशें सरकार को भेजी थी। उच्च न्यायपालिका के जजों की तनख्वाह इससे पहले वर्ष 2009 में बढ़ाई गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश का वेतन 33,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति माह किया गया था। इसी प्रकार शीर्ष अदालत के जजों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह 30,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 90,000 रुपये महीना किया गया था। हाईकोर्ट के जजों की तनख्वाह भी 26,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये की गई थी। दोस्तों, एक तरफ न्यायपालिका के न्यायाधीशों की वेतन बढ़ोतरी 180% तक हो गई है और बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी मात्र 14% हुई है, तो यहां पर काफ़ी विसंगतियां सामने आ रही है। बाकी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए अप्रैल 2018 तक और इंतजार करना होगा। उसके बाद में ही स्पष्ट हो जाएगा कि कितना रहेगा केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।